सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुपर टेक्निकल सर्ज में। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि गाइस आप बिना एटीएम कार्ड के अपने फोन पे अकाउंट को आप कैसे बनाएंगे। अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो हम आपको बताने वाले हैं कि अपने फोन पे को आप कैसे बनाएंगे, मोबाइल रिचार्ज कैसे करेंगे, पैसा ट्रांसफर कैसे करेंगे, सब कुछ करके बताने वाले, करके दिखाने वाले। क्योंकि गाइस बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ना तो एटीएम कार्ड होता है ना डेबिट कार्ड होता है, अपने फोन पे को नहीं बना पाते, नहीं चला पाते। हम आपको बताने वाले हैं अगर आपके पास ना तो एटीएम कार्ड है ना तो डेबिट कार्ड है तो आप कैसे अपने फोन पे अकाउंट को बनाएंगे, कैसे चलाएंगे, क्या प्रोसेस है, क्या नहीं प्रोसेस है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस वीडियो को एंड तक स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप वॉच करना पड़ेगा, तभी गाइस आपको कुछ पता चले, तभी गाइस आप कुछ सीख पाएंगे। अन्यथा गाइस अगर आप वीडियो को बीच में स्किप कर देंगे तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले आपको से बैक आना, बैक आने के बाद में अब आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा गाइस, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फोन पे एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा। आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, तो जैसे आप उस लिंक पे आप क्लिक कर देंगे तो अब आपके सामने डायरेक्टली आपका फोन पे एप्लीकेशन इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। तो अब आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, जब गाइस आप उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। अब आपको डाउनलोड करना, डाउनलोड करने के बाद में आपको ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सो जैसे आप डाउनलोड करके आप ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो अब आपको यहाँ पे इस तरीके से अपना मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में गाइस अगर आपका पासवर्ड मांग रहे हैं तो आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। वेल गाइस अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो आपको अदर्स लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद में आपको पे लॉगिन विद ओटीपी क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस अब आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, आप सक्सेसफुली ओटीपी की मदद से आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे, सक्सेसफुली आपका अकाउंट पे बन जाएगा। तो गाइस आपको जो फोन पे अकाउंट है यहां पे सक्सेसफुली बन चुका है। अब गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको अपने फोन पे एप्लीकेशन में अपने बैंक अकाउंट को ऐड करना है बिना एटीएम बिना डेबिट कार्ड के। तो आप कैसे ऐड करेंगे, ऐड करने का प्रोसेस क्या होता है, तो आपको सिंपली यहां पे क्लिक करना है। यहां पे क्लिक करने के बाद में गाइस अब आपको सिंपली यहां पे ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है। सो जैसे आप ऐसे ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देंगे तो गाइस अब आपके सामने आपका मोबाइल नंबर और आपके सामने बहुत सारे बैंक का लिस्ट ओपन होकर के आ जाएगा। स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, यहां पे एस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बहुत सारे बैंक, एटीसी, जितने भी बैंक है सभी बैंक आप इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएंगे। तो गाइस अब आपको यहां पे सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको सर्च बाय बैंक नेम पे क्लिक करना है। सो गाइस आपका जो भी बैंक होगा, आपके बैंक का जो भी नाम है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपका एसबीआई में अकाउंट है तो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टाइप करना है। तो आप जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे टाइप करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है। सो गाइस जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो अब आपको जो मोबाइल नंबर है आपके बैंक से वेरीफाई होगा। तो जैसे आपका बैंक से आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद में आपका जो यहाँ पे बैंक अकाउंट है सक्सेसफुली एड हो जाएगा, अकाउंट एडेड सक्सेसफुली। उसके बाद में आपको रीसेट पिन पे क्लिक करना है। सो जैसे आप रीसेट पिन पे क्लिक कर देंगे तो गाइस अब आपके सामने यहाँ पे लास्ट 6 डिजिट ऑफ योर कार्ड नंबर मांग रहा है और यहाँ पे एक्सपायरी डेट मांग रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस आपको सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन रहेगा, इस यहाँ पे डोंट है बे डेबिट कार्ड एंड एटीएम कार्ड, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में गाइस आपके सामने इस तरीके से ऑप्शंस ओपन होकर के आ जाएगा। सो गाइस आपको यहाँ पे कहीं पे भी गाइस आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिला गाइस यहाँ पे बिना एटीएम कार्ड के चलाने के, लेकिन गाइस हम आपको बताने वाले हैं आप कैसे चलाएंगे, आपको बैंक आना है। सो गाइस अगर आपका एसबीआई बैंक है, अगर मतलब आपको इस तरीके से चेक करना है मेरा एसबीआई बैंक है तो इसमें गाइस आपको एटीएम कार्ड मांग रहा है, लेकिन गाइस हम दूसरे बैंक अकाउंट को अगर हम इसे लिंक करेंगे, जैसे मेरा जो बैंक अकाउंट है केनरा में है, एक केनरा में मेरा बैंक अकाउंट ओपन है, तो केनरा बैंक टाइप करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से बैंक ओपन होकर आ जाएगा। इस पर हम क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद में अब आपको आपका बैंक अकाउंट है इस तरीके से लिंक हो जाएगा, जैसे कि आपका एसबीआई बैंक लिंक हुआ उसी तरीके से आपका है दूसरा बैंक होना है इस तरीके से लिंक हो जाएगा। अब आपको रीसेट पे क्लिक करना है। सो जैसे आप रीसेट पे क्लिक कर देंगे तो कैसे आपके सामने फिर से यहाँ पे एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड नंबर मांग रहा है, लेकिन आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद में सब आपको सिंपली यहां पर एक ऑप्शन रहेगा, यहां पे यूजिंग आधार नंबर, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में सब आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा, सेट यूपीआई पिन यूजिंग आधार कार्ड नंबर, एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। सो कि जैसे आप इसे एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे तो अब आपको मैं कह रहा प्लीज वेट, तो आपको कुछ सेकंड तक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में जब आपके सामने आधार नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। सो कि हम आपको बोले थे कि अगर आपके पास एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड नहीं है तो आप फिर भी बना सकते हैं, चला सकते हैं। कैसे चलाएंगे, आपको यहां अपना आधार नंबर डालना, अपने आधार कार्ड का स्टार्टिंग का 6 अक्षर आपको डाल देना है। तो चलिए गाइस अपने आधार कार्ड का स्टार्टिंग का 6 अक्षर डाल लेंगे। सो फाइनल गाइस हमने क्या किया, अपना यहां पे आधार नंबर डाल दिया, डालने के बाद में अब आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। सो कि जैसे प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे तो गाइस आपके आधार कार्ड की तरफ से एक ओटीपी आएगा, आपको टिक वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद में सब आपके बैंक की तरफ से एक ओटीपी आएगा, तो दोनों जो ओटीपी है ऑटोमेटिक वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद में आपको फिर से टिक वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद में जैसे यहां पे कह रहा है सेट यहां पे 6 डिजिट यूपीआई पिन, तो गाइस आपको यहां से अपना यूपीआई पिन आपको सेट करना पड़ेगा। तो चलिए गाइस हम क्या करेंगे, अपने यूपीआई पिन को हम यहां पे इस तरीके से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद को टिक वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद में कंफर्म करना अपने यूपीआई पिन को, तो जैसे आप कंफर्म कर देंगे उसके बाद फिर से टिक वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपका यूपीआई पिन यहां पे सक्सेसफुली बन जाएगा बिना एटीएम कार्ड
कार्ड के आपका फोन पे अकाउंट बन चुका है, आपका बैंक अकाउंट भी लिंक हो चुका है। वेल गाइस, अगर आपका इस तरीके से ऑप्शन आ रहा है गाइस यहां पे एटीएम और डेबिट कार्ड, लेकिन जब इस पे क्लिक कर रहे हैं तो आपको वहां पे ऑप्शन नहीं मिल रहा है। सो गाइस, आपके बैंक में मतलब आपका जो बैंक है आपको चेक करना है, अगर आपके बैंक में आधार वाला ऑप्शन मिल रहा है तो आप बिना एटीएम बिना डेबिट कार्ड के अपने फोन पे अकाउंट को बना सकते हैं, चला सकते हैं। लेकिन गाइस, अगर आपको आधार वाला ऑप्शन मिल रहा है तो आप चला सकते हैं, अगर आपको आधार कार्ड वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा है गाइस जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप नहीं चला सकते हैं। तो इस तरीके से गाइस आप बिना एटीएम बिना डेबिट कार्ड के आप चला सकते हैं अपने फोन पे अकाउंट को, अगर आप में ऑप्शन शो रहे तो। आप पैसा आप कैसे ट्रांसफर करेंगे, तो गाइस अब आपके होम स्क्रीन पे गाइस यहां पे बैक आना, बैक आने के बाद में गाइस आपके होम स्क्रीन पे गाइस यहां पे आपको ट्रांसफर मनी का ऑप्शन जो है पे टू मोबाइल नंबर टू बैंक यूपीआई आईडी और यहाँ पे टू सेल्फ का ऑप्शन होगा। तो गाइस आप इसे मोबाइल नंबर यूपीआई आईडी डाल करके अकाउंट नंबर डाल करके पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। बैलेंस कैसे चेक करेंगे, आपको चेक बैंक बैलेंस पे क्लिक करना है, उसके बाद में आप जो बैंक इसमें ऐड किया आपका बैंक अकाउंट पे शो हो जाएगा। तो गाइस आप यहाँ से अपने बैलेंस भी चेक कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में कितना यहाँ पे पैसा है। अब आपको बैंक आना, बैंक आने के बाद में अगर आप रिचार्ज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, एक्सेट बिल पेमेंट, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट, रेंट पेमेंट, लोन रीपेमेंट, यहाँ पे सब कुछ आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से गाइस आप बिना एटीएम कार्ड के अपने फोन पे अकाउंट को बना सकते हैं, चला सकते हैं। दोस्तों अगर आपको कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम आ रही है फोन पे अकाउंट बनाने चलाने में तो डायरेक्टली आप मुझसे इंस्टाग्राम फेसबुक के थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं, जो कि इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।